हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल और जय श्री राम। इंडिया में आजकल 250 प्लस इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन ऑर्गेनाइज होते हैं। इनमें से कुछ एग्जामिनेशन नेशनल लेवल पे, कुछ एग्जामिनेशन स्टेट लेवल पे, कुछ एग्जामिनेशन डिफरेंट यूनिवर्सिटीज लेवल पे और कुछ एग्जामिनेशन कंबाइंड लेवल पे डिफरेंट कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में एडमिशन्स के लिए ऑर्गेनाइज किया जाता है। एज ए स्टूडेंट और पेरेंट्स सबसे बड़ा कन्फ्यूजन होता है कि आप किस किस एग्जामिनेशन के लिए अप्लाई करें, क्योंकि सारे एग्जामिनेशन में अपीयर होना, उनके काउंसिलिंग प्रोसेस को अटेंड करना पॉसिबल नहीं है और इसमें टाइम, एक्सपेंसेस और एफर्ट तीनों इन्वॉल्व होता है। हालिया के एक रिसर्च के हिसाब से एक एवरेज इंजीनियरिंग एस्पिरेंट्स अप्रॉक्सीमेटली 45,000 से लेकर 1.5 लाख तक खर्च करता है डिफरेंट एग्जामिनेशन में अपीयर होने से लेकर काउंसलिंग प्रोसेस तक को अटेंड करने में, क्योंकि कुछ एग्जामिनेशन के लिए उनको अपने सिटी या फिर स्टेट से बाहर भी जाना पड़ता है। तो इन सारे प्रॉब्लम्स को देखते हुए आज इस वीडियो में मैं एक ऐसे एग्जामिनेशन के बारे में बताने वाला हूं जिसके एक एप्लीकेशन को फिल करके आप इंडिया के 1200 प्लस कॉलेजेस और 250 प्लस यूनिवर्सिटीज में एडमिशंस ले सकते हैं और आपको इतने सारे मल्टीपल एप्लीकेशंस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जिस एग्जामिनेशन के बारे में मैं बात कर रहा था उसका नाम है AICEE, यानी कि ऑल इंडिया कंबाइंड एंट्रेंस एग्जामिनेशन। AICEE एग्जामिनेशन के बारे में मुझसे बहुत सारे स्टूडेंट्स कमेंट करके पूछ रहे थे कि भैया AICEE के ऊपर एक कंप्लीट वीडियो बनाए जिसमें कि एप्लीकेशन से लेकर काउंसलिंग प्रोसेस तक को आप कवर कीजिए। तो आज इस वीडियो में मैं AICEE के बारे में सब कुछ स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। तो ये वीडियो तुम सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो इसे लास्ट तक देखना। तो सबसे पहले नंबर पर बात कर लेंगे अबाउट AICEE, सेकेंड नंबर पर बात करेंगे एडवांटेजेस ऑफ AICEE के बारे में, थर्ड नंबर पर बात करेंगे एलिजिबिलिटी, क्वेश्चन पैटर्न और सिलेबस के बारे में, फोर्थ नंबर पर बात करेंगे काउंसलिंग प्रोसेस और चॉइस फिलिंग के ऊपर, फिफ्थ नंबर पर बात करेंगे कॉलेज रिपोर्टिंग के ऊपर। अब यदि बात करें AICEE के बारे में तो AICEE एक ऐसा कंबाइंड एंट्रेंस एग्जामिनेशन है जिसके एक एप्लीकेशन को फिल करके आप इंडिया के 1200 प्लस कॉलेजेस और 250 प्लस यूनिवर्सिटीज में एडमिशंस ले सकते हैं। AICEE एग्जामिनेशन को इंजीनियरिंग सहित 20 प्लस और भी UG और PG प्रोग्राम्स जैसे कि BBA, BCA, बायोटेक्नोलॉजी, बी फार्मेसी, लॉ, बी डिज़ाइन, MBA, PGDM जैसे प्रोग्राम में एडमिशंस के लिए ऑर्गेनाइज किया जाता है। इस एग्जामिनेशन के लिए आप www.aicee.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया है। अब यदि AICEE के एडवांटेजेस के बारे में बात करूं तो सबसे पहला एडवांटेज है कि अब आपको मल्टीपल एप्लीकेशन करने की कोई जरूरत नहीं है। AICEE के एक सिंगल एप्लीकेशन को कंप्लीट करके इनके एग्जामिनेशन और काउंसलिंग प्रोसेस में शामिल होकर आप इंडिया के कई सारे टॉप यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस में एडमिशंस ले सकते हैं। तो आपको इतने सारे मल्टीपल कॉलेजेस के काउंसलिंग प्रोसेस में, इतने सारे एग्जामिनेशंस में अपीयर होने की अब कोई जरूरत नहीं है। दूसरा एडवांटेज है कि AICEE एग्जामिनेशन को होम बेस्ड मोड और सेंटर बेस्ड मोड दोनों मोड में ऑर्गेनाइज किया जाता है। होम बेस्ड मोड में आप अपने घर पर कंफर्टेबली बैठकर लैपटॉप, डेस्कटॉप, टैबलेट, PC, इवन कि स्मार्टफोन की मदद से भी इस एग्जामिनेशन में अपीयर हो सकते हो। सेंटर बेस्ड मोड में आप अपना एग्जामिनेशन सिटी सेलेक्ट करके इस एग्जामिनेशन में अपीयर हो सकते हो। तीसरा एडवांटेज है कि AICEE के थ्रू आपको 100% तक का फीस कंसेशन भी मिल सकता है। यदि फोर्थ एडवांटेज की बात करूं तो AICEE का कंप्लीट प्रोसेस जैसे कि एप्लीकेशन, एग्जामिनेशन, कॉलेज वाइज फिलिंग राउंड्स, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन सारा कुछ ऑनलाइन है जिसे आप AICEE के पोर्टल पर जाकर कंप्लीट कर सकते हो। तो आपको फिजिकली कहीं भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो इससे आपके काफ़ी सारे अदर एक्सपेंसेस भी बच जाएंगे। यदि फिफ्थ एडवांटेज की बात करूं तो वो यह है कि AICEE एग्जामिनेशन को इंजीनियरिंग सहित 20 प्लस अदर UG और PG प्रोग्राम्स में भी एडमिशंस के लिए ऑर्गेनाइज किया जाता है। तो इतने सारे कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज का ऑप्शंस आपको इंडिया का कोई भी अदर एग्जामिनेशन नहीं देगा। अब यदि एलिजिबिलिटी की बात करूं तो हर प्रोग्राम के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अलग अलग है जिसे आप इनके ऑफिशियल वेबसाइट www.aicee.in पर जाकर चेक कर सकते हैं, क्योंकि ये वीडियो इंजीनियरिंग प्रोग्राम पे डेडिकेटेड है। तो यदि मैं इंजीनियरिंग प्रोग्राम के लिए एलिजिबिलिटी की बात करूं तो आपका 10+2 कंप्लीट होना चाहिए या फिर इस ईयर कंप्लीट होने वाला हो और आपके ओवरऑल और PCM ग्रुप में मार्क्स का एग्रीगेट मिनिमम 50% होना चाहिए। यदि इंजीनियरिंग प्रोग्राम के क्वेश्चन पैटर्न की बात करूं तो 2 आवर्स में टोटल 120 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसमें कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और जनरल अवेयरनेस एंड एप्टीट्यूड से 30 क्वेश्चंस ईच होता है। निगेटिव मार्किंग 1/3 है।
यदि AICEE के इंजीनियरिंग प्रोग्राम के सिलेबस की बात करूं तो इसका सिलेबस भी अदर इंजीनियरिंग एग्जाम्स की तरह ही है, बस इसमें 30 क्वेश्चंस जनरल अवेयरनेस एंड एप्टीट्यूड से एक्स्ट्रा पूछा जाता है। और यदि आप डिटेल में इसके सिलेबस को जानना चाहते हो तो www.AICEE, जो कि इनका ऑफिशियल वेबसाइट है, उस पर जाकर चेक कर सकते हो। बाकी लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया है। यदि AICEE के काउंसलिंग प्रोसेस की बात करूं तो सबसे पहले आपको इनके काउंसलिंग प्रोसेस के लिए खुद को रजिस्टर्ड करना होगा। रजिस्टर्ड करने के बाद आप इनके काउंसलिंग राउंड्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। AICEE के काउंसलिंग प्रोसेस को 3 राउंड्स में कंप्लीट किया जाता है। हर राउंड्स में आप मिनिमम 25 और मैक्सिमम 200 चॉइसेस फिल कर सकते हैं। चॉइसेस सबमिट करने के बाद ऑटोमेटिकली आपके रैंक और प्रेफरेंस के बेसिस पर आपको कॉलेज अलॉट हो जाएगा। कॉलेज अलॉटमेंट के बाद आपके पास 3 ऑप्शंस होगा, फ्रिज, फ्लोट और स्लाइड का। फ्रिज का मतलब है कि जो कॉलेज आपको अलॉट हुआ है उसमें आप अपना सीट कंफर्म करना चाहते हो तो आप फ्रिज का ऑप्शन चूज करोगे। यदि आप फ्लोट ऑप्शन चूज कर रहे हो तो इसका मतलब है कि जो अलॉटेड कॉलेज है उससे आप सेटिस्फाई हो, लेकिन बेटरमेंट के लिए आप राउंड 2 और राउंड 3 के काउंसलिंग में भी पार्टिसिपेट करना चाहते हो। स्लाइड का मतलब है कि जो अलॉटेड कॉलेज है उसमें आप थोड़ा चेंजेस चाहते हो और अपने चॉइस को राउंड 2 और राउंड 3 के लिए फिर से रीअरेंज करना चाहते हो। फाइनली AICEE के एप्लीकेशन, एग्जामिनेशन और काउंसलिंग प्रोसेस में शामिल होने के बाद आप जो भी मेंशन और रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है उसके साथ आपको कॉलेज रिपोर्ट करना होगा एज पर इंस्ट्रक्शंस ऑफ AICEE। यदि AICEE के थ्रू फीस कंसेशन या फिर स्कॉलरशिप की बात करें तो यदि आपका रैंक 1 से लेकर 1000 के बीच है तो आपको 100% तक का फीस कंसेशन डायरेक्टली मिल जाता है, लेकिन यदि आपका रैंक 1000 से लेकर 2000 के बीच है तो आपका फीस कंसेशन 3 पैरामीटर्स पर डिपेंड करता है, वो है आपकी फैमिली इनकम, AICEE रैंक और अलॉटेड इंस्टीट्यूशन पर। कंक्लूजन यही निकलता है कि यदि AICEE के एक सिंगल एप्लीकेशन को कंप्लीट करके इतने सारे बेनिफिट्स और कॉलेजेस का ऑप्शंस मिल जाता है तो आपको इसके लिए जरूर अप्लाई करना चाहिए, वो भी तब जब होम बेस्ड मोड में आप अपने घर पर कंफर्टेबली बैठकर भी इस एग्जामिनेशन में अपीयर हो सकते हैं। मैंने इस वीडियो में AICEE के ऊपर मोस्ट ऑफ द चीजों को कवर करने की कोशिश की है, लेकिन यदि फिर भी आपकी कुछ क्वेरीज हैं या फिर क्वेश्चंस हैं तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करके या फिर मुझसे इंस्टाग्राम पर कनेक्ट करके भी अपनी सारी क्वेरीज पूछ सकते हैं। इस ईयर सितंबर के बाद मैं आप सभी स्टूडेंट्स के लिए एक वीडियो सीरीज लेके आ रहा हूं, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप फर्स्ट ईयर से ही कैसे प्रिपेयर करो कि फाइनल जब आपका प्लेसमेंट का समय आता है तो आपको हाईएस्ट CTC ऑफर हो। आई रियली होप कि मेरा यह वीडियो तुम सभी को पसंद आया है। यदि मेरा यह वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। ऐसे ही वीडियोस देखते रहने के लिए डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन आई रियली होप यू विल टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।